हेलो स्पिरिट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कुमार गुप्त एंड स्कंद गुप्त के बारे में। तो देखिए, हम गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ा, देन समुद्रगुप्त जिन्हें इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता है, एंड देन चंद्रगुप्त सेकेंड। सो आज के वीडियो में हमें सिर्फ दो रूलर्स के बारे में पढ़ना है, एंड देन रूलर्स वाली एक्सप्लेनेशन हमारी हो जाएगी कम्प्लीट, राइट? तो सबसे पहले तो आप पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट करें। हम पढ़ रहे हैं कुमार गुप्त के बारे में। टाइम पीरियड की बात करें तो 415 से 455 एडी तक का इनका टाइम पीरियड था। अब ये थे कौन? ही वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त टू, जो चंद्रगुप्त सेकंड थे जिनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, उनके बेटे थे, उनके सक्सेसर थे कौन? कुमारगुप्त। नाउ हिज रियान मार्क बाय जनरल पीस एंड प्रोस्पेरिटी। इनके जो रियान थे, इनका जो शासन काल था, उसमें बहुत ज़्यादा शांति थी और प्रोस्पेरिटी मतलब धन, प्रॉपर्टी या पैसा या ज्वेलरी, इस केस में कहें तो काफ़ी प्रॉस्पेरस था, काफ़ी धनी इनका शासनकाल था। इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, दैट हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। ये वन लाइनर क्वेश्चन है और हम हमेशा भूल जाते हैं क्योंकि हमने कुमारगुप्त के अंडर इसे पढ़ा ही नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने इनकॉर्पोरेट किया है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी दो तीन चीज़ें लिखी हैं तो आप भूलेंगे नहीं। कुमारगुप्त जो थे वो थे फाउंडर नालंदा यूनिवर्सिटी के। नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये एंशिएंट इंडिया की बहुत ही ज़्यादा फेमस लर्निंग सेंटर्स थे, फेमस यूनिवर्सिटीज़ थी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे पहले तो पता होना चाहिए है कहाँ पे, उसके बाद में फिर बाकी चीज़ें होती हैं, है ना? तो नालंदा यूनिवर्सिटी है राजगीर या राजगृहा, नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार में, याद रखना है, ठीक है? नाउ सेकेंड पॉइंट है, कंसीडर्ड बाय हिस्टोरियंस टू बी वर्ल्ड्स फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी एंड अमंग द ग्रेटेस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन द एंशियंट वर्ल्ड। जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, उनके हिसाब से पूरी दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी समझते हैं, यूनिवर्सिटी तो आपको पता है, वो समझाने की ज़रूरत नहीं है। रेजिडेंशियल का मतलब जहाँ पे हॉस्टल भी साथ में हो, जहाँ पे रेजिडेंशियल यानी रहने के भी जो है फैसिलिटीज़ हों। तो पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी पूरी दुनिया की हिस्टोरियंस के हिसाब से। एंड दूसरा पॉइंट ये कि जो सबसे महान सेंटर्स थे ना लर्निंग के, प्राचीन भारत में, एंशियंट हिस्ट्री में, एंशियंट वर्ल्ड में, उनमें से एक था क्या? नालंदा यूनिवर्सिटी। नाउ थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लेटर रैनसैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय मोहम्मद बख्तियार खलजी। अब मोहम्मद बख्तियार खलजी आए, उन्होंने क्या किया, इस पूरी की पूरी को पहले तो लूटपाट की जो भी चीज़ें थी चुराने वाली, और उसके बाद क्या किया, इसको डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है? तो आज भी काफ़ी प्रिजर्व करके, काफ़ी संजो के इस यूनिवर्सिटी को रखा गया है, ठीक है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट आई थिंक किसी में इसको रिजर्वेशन मिली हुई है, ठीक है? चलिए, इसी के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी पढ़ लिया। याद रखना है कि कुमारगुप्त जो थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ठीक है? आगे चलते हैं, बट अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, लाइक करने में कोई भी कंजूसी बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय। कुमारगुप्त जो है वो लॉर्ड कार्तिकेय की पूजा करते थे। लॉर्ड कार्तिकेय कौन थे? हिंदू गॉड ऑफ वॉर, युद्ध के देवता माने जाते हैं। बाकी ये हमें तो पता ही है, ये तो हिंदुओं को तो बताने की ज़रूरत नहीं है लॉर्ड कार्तिकेय कौन है। ये पार्वती और शिव के बड़े बेटे हैं, पार्वती और शिव के दो बेटे कहते हैं, है ना? पार्वती और शिव भगवान के, एक कार्तिकेय जी हैं, दूसरे गणेश जी हैं। फिर इनकी वो चूहे वाली स्टोरी भी आपको पता होगी, है ना? वो चलिए वो यहाँ इनकॉर्पोरेट करूँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बट वहाँ से फिर हमें पता चलता है कि लॉर्ड कार्तिकेय पार्वती और शिव जी के बेटे थे, इनकी पूजा करते थे कुमारगुप्त। नेक्स्ट आता है, ही परफॉर्म्ड अश्वमेध सेक्रीफाइस। तो अश्वमेध सेक्रीफाइस भी किसने परफॉर्म किया? कुमारगुप्त ने परफॉर्म किया था, ठीक है? चलिए, अब आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, बातें थोड़ी ज़्यादा हो गई, हम बात कर रहे थे कुमारगुप्त के बारे में। लॉर्ड कार्तिकेय को फॉलो करते थे, उनकी पूजा करते थे, अश्वमेध सेक्रीफाइस इन्होंने परफॉर्म किए। नाउ ही इशू नंबर ऑफ कॉइन्स एंड हिज इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड ऑल ओवर द गुप्त एम्पायर। जो गुप्ता एम्पायर था उसमें हर जगह पे उनकी इंस्क्रिप्शंस हर एक कोने में जो है मिलती है हिस्टोरियंस को, प्लस बहुत सारे कॉइन्स इन्होंने इशू किए थे। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, ठीक है? इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रियान इन्वेजन्स, जब इनके शासन के कुछ लास्ट के साल चल रहे थे, उस टाइम पे आक्रमण होने स्टार्ट हो गए। किसके आक्रमण?
तुर्को मंगोल ट्राइब के इनके आक्रमण होने स्टार्ट हो गए थे हूणों के। कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे, नोमैडिक पीपल थे सेंट्रल एशिया के, जो प्लेन एरियाज है वहाँ पे घूमते थे, तो वहाँ से इनके आक्रमण होने स्टार्ट हो गए। एंड ड्यूरिंग द वॉर विद हूणास कुमारगुप्त डाइड। फिर इन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया तो कुमारगुप्त ने इनसे युद्ध लड़ा जिसमें इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद इनके सक्सेसर, इनके बेटे जो हैं वो शासक बने थे, वो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि देखिए वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। होता क्या है ना कि हम सोचते हैं बाद में नोट्स बनाएंगे, अभी नहीं, अभी थोड़ा फट देख लेते हैं, हमारा एग्ज़ाम आ रहा है तो थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए एक फर्स्ट अटैम्प्ट में तो आप सोचें एग्ज़ाम क्लियर होगा, नहीं होगा, विदाउट नोट्स नहीं होगा। ऐसे ना बनाएं, शॉर्ट में बनाएं, रफ में बनाएं। अगर 10 टॉपिक है तो 10 पेज तो हों नोट्स के कि आप लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर सकें। एक टच हो जाता है हर एक टॉपिक को, है ना। चलिए ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट जिसमें हमने पढ़ा कुमारगुप्त के बारे में। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। वो नेक्स्ट रूलर जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो है स्कंदगुप्त, ठीक है। अब कुमारगुप्त के बेटे थे पहली चीज़, और दूसरा ये कि इनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो 455 से 467 AD तक का इनका टाइम पीरियड था। ही वॉज द सक्सेसर ऑफ स्कंदगुप्त, ये तो बताने वाली चीज़ नहीं है। ही फॉट सक्सेसफुली अगेंस्ट द हूणास एंड सेव द एम्पायर। अब होता क्या है, जब स्कंदगुप्त के फादर, क्या नाम था उनका, कुमारगुप्त, जब वो रूल कर रहे थे तो उनके एंड टाइम जब था, उनका जब शासन का एंड टाइम था, लास्ट के कुछ साल थे, उस टाइम पे हूणों का आक्रमण होना स्टार्ट हो गया था। तो अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार हूण आक्रमण करेंगे और फिर वहां से चले जाएंगे। उनका युद्ध हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद आए स्कंदगुप्त, इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से हूणों का मुकाबला किया और पूरे के पूरे एम्पायर को बचा लिया, मतलब ये जीत गए युद्ध में। नाउ दिस हीरोइक विक्ट्री एंटाइटल्ड हिम विद द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। हूणों के अगेंस्ट जो उन्होंने वॉर लड़ी, उन्हें हराया और एम्पायर को बचाया, इस विक्ट्री के लिए, इस विजय के लिए, इस जीत के लिए उन्हें टाइटल दिया गया था विक्रमादित्य का। और ये हमें कहाँ से पता चलता है, दिस थिंग इज मैंशन इन भिटारी पिल्लर इंस्क्रिप्शन। जो भिटारी पिल्लर इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे इसका मैंशन है, ठीक है। चलिए पहला तो हो गया कि उन्होंने बचाया, विक्रमादित्य का टाइटल लिया, कहाँ पे है ये भिटारी पिल्लर इंस्क्रिप्शन में, पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है, ड्यूरिंग हिज रियान सुदर्शन लेक वॉज रिपेयर्ड एंड इट्स एम्बैंकमेंट्स वर बिल्ट। इनके शासनकाल में जो सुदर्शन लेक थी उसकी रिपेयरिंग की गई, है ना। कब बनाया था तो याद कीजिए, हमने पढ़ा था ये जो फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, उस टाइम पे पढ़ा था सुदर्शन लेक के बारे में बहुत अच्छे से, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना समझिए कि जो सुदर्शन लेक थी इसकी रिपेयरिंग की थी स्कंदगुप्त ने, और इसके ऊपर बांध भी बनाया था, उसको रिबिल्ड किया था स्कंदगुप्त ने। नाउ नेक्स्ट आता है, द वॉर बिटवीन हूणास एंड गुप्तास अ ग्रेट स्ट्रेन ऑन द गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब युद्ध तो ये जीत गए, टाइटल भी ले लिया, सुदर्शन लेक भी रिपेयर कर दी, लेकिन जो वॉर हुई हूणों और गुप्तों के बीच में, हून डायनेस्टी एंड गुप्ता डायनेस्टी के स्कंदगुप्त के बीच में, इसकी वजह से फाइनेंशियल लेवल पे बहुत नुकसान हुआ गुप्ता डायनेस्टी को। क्योंकि देखिए पैसा भी खर्च होता है, आर्मी भी जाती है, कितना खर्चा आता है, तो वो उस केस में अगर हम बोलें फाइनेंशियल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ था इन्हें, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। सो ये चीज़ हमने पढ़ी कि हूणों और गुप्तों के बीच में जब युद्ध हुआ तो उससे फाइनेंशियल लॉसेज बहुत ज़्यादा हुए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, द कॉन्टिन्यूस अटैक्स ऑफ हूणास वीकन द इकोनॉमी। अब हूण क्या करते थे, एक के बाद एक अटैक करते रहते थे, तो जो स्कंदगुप्त थे उन्होंने दो बार इनको जो है हराया भी, लेकिन होता क्या है कि जब युद्ध होता है तो इकोनॉमी वीक बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वही हुआ गुप्ता इकोनॉमी के साथ कि वो वीक बहुत ज़्यादा हो चुकी थी स्कंदगुप्त के टाइम तक। एंड द डिक्लाइन बिगेन सून आफ्टर द डेथ ऑफ गुप्ता रूलर स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त भी काफ़ी पावरफुल थे, काफ़ी स्ट्रांग थे, उन्होंने पूरा जो हमारा एम्पायर था गुप्ता एम्पायर उसे जोड़ के रखा। बट जैसे ही इनकी डेथ होती है, सॉरी जैसे ही इनकी डेथ होती है, पूरा का पूरा एम्पायर जो है वो उसका ब्रेकडाउन, वो टूटना, उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ही इज़ कंसिडर्ड एज द लास्ट गुप्ता रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के सबसे, सॉरी ग्रेट रूलर, सबसे ज़्यादा महान, या आप कह लीजिए लास्ट ग्रेट रूलर वो माने जाते थे। इनके बाद कुछ सक्सेसर्स आए जैसे कि पुरुगुप्त है, नारसिम्हा गुप्त है, बुद्धा गुप्त है, ये सारे भी जो है गुप्ता रूलर्स ही हैं, लेकिन हम इनके बारे में पढ़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनके बारे में कुछ है ही नहीं खास पढ़ने के लिए। दे ऑल वर वीक, बहुत ज़्यादा वीक थे, कुडंट सेव द एम्पायर फ्रॉम द हूणास, हूणों से ये अपने एम्पायर को बचा नहीं सके, ठीक है। दस गुप्ता पावर टोटली डिसअपियर्ड। जो गुप्त शासक थे इनकी पावर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गई और उसके बाद बिल्कुल ही खत्म हो गई, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमने दो रूलर्स आज पढ़े,
ठीक है, उन दोनों का जो कंटेंट था वो हो गया कंप्लीट। अब जो रूलर्स की एक्सप्लेनेशन होती है वो भी इसी के साथ हो गई कंप्लीट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एक चीज़ आपको और बताना चाहूंगी, देखिए मैं डेली करंट अफेयर्स भी अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ, तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं डेली आप पढ़ सकते हैं। 10 से 15 पॉइंट्स मैं डिस्कस करती हूँ डेली। एंड दूसरी चीज़ ये कि अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि कई बार आप जॉब कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, तो उस केस में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। प्लस उन्हीं नोट्स के थ्रू मैंने यूट्यूब वीडियोज़ पर पढ़ाया है, तो कहीं पर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, समझ नहीं आ रहा या कोई भी डाउट, आप वीडियो देख सकते हैं, तो वो भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस तरह से ओवरऑल आपको एक कोर्स जो है वो मिल रहा है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। एंड फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।